गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर में बड़े आराम से सो रहे होते हैं, तभी उनके फोन में एक कॉल आता है। कॉल आने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी की नींद टूट जाती है। जल्दी से गुप्ता जी कॉल को उठाते हैं, क्योंकि कॉल बाबा का था। हाँ बाबा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ गुप्ता जी, कॉल बाबा का था क्या? हाँ मिश्रा जी, वे हमें आश्रम बुला रहे हैं। इतनी रात में अचानक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पता नहीं मिश्रा जी, हमें वहीं जाकर पता चलेगा। बाबा के बुलाने पर दोनों आश्रम जाने लगते हैं, जो जंगल वाले रास्ते के दूसरी तरफ होता है। दोनों जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तभी उन दोनों को रास्ते में दो टॉयलेट पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, ये टॉयलेट को यहाँ रास्ते में किसने रख दिया है? पता नहीं मिश्रा जी, किसी ने रख दिया होगा। पर तुम ये सब क्या पूछ रहे हो, अभी हमें जल्दी से बाबा के आश्रम जाना है। कुछ ही पल में गुप्ता जी और मिश्रा जी आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बाबा चिंतित दिखाई पड़ रहे थे। क्या हुआ बाबा, आप बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी, तुम आ गए। हाँ मैं चिंतित हूँ, क्योंकि शहर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कैसी मुसीबत बाबा, आपके रहते शहर को कुछ नहीं होगा। मिश्रा जी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। आज रात मैं यहाँ से बहुत दूर तप करने के लिए जा रहा हूँ, पर मुझे अनुभव हुआ है कि शहर में किसी का हमला होगा, पर कौन हमला करेगा वो मुझे पता नहीं चला है। इसलिए जब तक मैं ना आऊँ, तब तक तुम्हें शहर की रक्षा करना है। बाबा यदि ऐसा है तो हम दोनों दुश्मनों से कैसे लड़ पाएंगे? गुप्ता जी के बोलने पर बाबा दोनों को एक शस्त्र देते हैं, जो बहुत ही ताकतवर होता है। गुप्ता जी, मैं 2 दिन के बाद आऊँगा, तब तक तुम्हें शहर की रक्षा करना है। बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी को अपनी बात बताकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। गुप्ता जी, बाबा तो तप करने चले गए, पर शहर में जो मुसीबत आने वाली है उसे सोचकर मुझे तो अभी से डर लग रहा है। मिश्रा जी, तुम इतने डरते क्यों हो? हम दोनों मिलकर कितने सारे शैतानों को भगाए हैं। हाँ गुप्ता जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर वर कुछ नहीं, चलो घर में आराम करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, तभी जंगल वाले रास्ते में मिश्रा जी को वह दोनों टॉयलेट दिखाई नहीं पड़ता है। गुप्ता जी, हमने तो यहाँ 2 टॉयलेट्स को देखा था ना, पर अब यहाँ नहीं है। हाँ मिश्रा जी, हमने तो यहाँ देखा था, पर मुझे लगता है कोई उसे उठा कर ले गया होगा। हाँ गुप्ता जी, ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि टॉयलेट अपने आप थोड़ी कहीं गया होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी दोनों को आगे कुछ हलचल होता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको देखकर मिश्रा जी की हालत खराब होने लगती है। गुप्ता जी, आगे कुछ हलचल हो रही है, मुझे लगता है वहाँ कोई शैतान है। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, हमारे पास बाबा का शस्त्र है, मैं जाकर देखता हूँ। गुप्ता जी को भी डर लग रहा था, पर हिम्मत रखते हुए गुप्ता जी आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। गुप्ता जी जैसे ही नजदीक जाते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है, पर मैंने तो यहाँ हलचल होते हुए देखा था। गुप्ता जी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि रास्ता में पड़ा टॉयलेट का गायब होना और हलचल होने पर भी कोई ना होना, उनके दिमाग में यह सब खटकने लगता है। कहीं मैं कुछ ज्यादा ही सोच तो नहीं रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुप्ता जी आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं मिश्रा जी, यहाँ कोई नहीं है, मैं आता हूँ। गुप्ता जी मिश्रा जी के पास जाने लगते हैं। गुप्ता जी, इतनी देर से आप वहाँ क्या सोचने लगे थे? अरे कुछ नहीं मिश्रा जी, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। चलो जल्दी से घर, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ से घर की तरफ निकल जाते हैं, पर उन्हें क्या पता उन्होंने जो हलचल होता हुआ देखा था वह कोई और नहीं, स्किबिडी टॉयलेट की थी। कुछ देर बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर पहुंच जाते हैं और दोनों सो जाते हैं। पर ये क्या, स्किबिडी टॉयलेट शहर में आ गया है।
सुबह होने के बाद गुप्ता जी और मिश्रा जी को कई लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद उन दोनों की नींद टूट जाती है। गुप्ता जी, इतनी तेज कौन चिल्ला रहा है? पता नहीं मिश्रा जी, चलिए नीचे जाकर देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कई लोग परेशान हैं और आपस में झगड़ रहे हैं। अरे आप लोगों को क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह आप लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे क्या बताएं, मुझे बहुत जोर की टट्टी आई है, पर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। छी, ये भी मैं बताऊँ आपको, यदि आपको टट्टी आई है तो टॉयलेट में जाओ ना। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है, हमारे सभी घरों के टॉयलेट गायब है। क्या, ये कैसे हो सकता है? सभी के घरों से टॉयलेट गायब कैसे हो सकता है? गुप्ता जी, यही सच है, हमें लगता है किसी ने हमारे टॉयलेट को चोरी की है। गुप्ता जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, अगर किसी को चोरी करनी ही थी तो पैसा चोरी करता ना, टॉयलेट क्यों? मिश्रा जी, ये किसी चोर का काम तो नहीं हो सकता है, जरूर कुछ और ही है जो हम सब समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें पता लगाना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गुप्ता जी और मिश्रा जी शहर में घूमने लगते हैं तो उन्हें कई जगह यही सुनने को मिलता है कि घर से टॉयलेट गायब हो गया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं तो वह देखते हैं कि कुछ लोग एक इंसान पर हंस रहे हैं। मिश्रा जी, उधर चलो, उन लोगों के पास। गुप्ता जी और मिश्रा जी उन लोगों के पास जाते हैं और उनसे हंसने की बात पूछते हैं। अरे भैया, हम सभी के घरों से टॉयलेट गायब हो गया है, तो यह बोलता है कि मैंने टॉयलेट को चलते हुए देखा है, अब आप ही बताइए ये कैसे संभव है? अरे पागल हो क्या, टॉयलेट कभी चल सकता है? हंस लो आप भी, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से टॉयलेट को चलते हुए देखा, वो भी जंगल की तरफ जा रहा था। चलता हुआ टॉयलेट की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, पर गुप्ता जी बहुत सीरियस होते हैं क्योंकि उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। मिश्रा जी चलो यहाँ से, मुझे शक है वो आदमी जो बोला बिल्कुल सच बोला है। गुप्ता जी, आप कैसे उस पागल का भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है कि टॉयलेट चल सकता है। मिश्रा जी हंसो मत, बाबा की बात याद है कि नहीं तुम्हें? मुझे शक है कोई शैतान टॉयलेट की सेना बना रहा है, और यदि मेरा शक सही है तो इतना सारा टॉयलेट आज रात ही हमला करने वाला है। गुप्ता जी, ये क्या बोल रहे हैं आप, टॉयलेट की सेना, अब हमें टॉयलेट से मुकाबला करना होगा। हाँ मिश्रा जी, अब चलो मेरे साथ जंगल में। जंगल में, पर क्यों? वो सब मैं वहीं तुम्हें बताऊंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों जंगल वाले रास्ते में आ जाते हैं जहां उन्हें एक इंसान की लाश दिखती है। मिश्रा जी वहां देखो, किसी की लाश पड़ी हुई है। ओ शिट, इसे किसने मारा? मिश्रा जी, हो ना हो या काम टॉयलेट का ही है। गुप्ता जी, आप कैसे कर सकते हैं, यह टॉयलेट का काम है। गुप्ता जी मिश्रा जी का जवाब देने वाले होते ही हैं, लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज दोनों को सुनाई पड़ती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यह मुझे मार डालेगा, बचाओ। मिश्रा जी, कोई मुसीबत में है, चलो जल्दी से उसे बचाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी आवाज की तरफ भागते हैं जो जंगल के अंदर से आ रही थी। दोनों तेजी से जंगल के अंदर जा रहे होते हैं, पर अचानक दोनों रुक जाते हैं। ओ शिट, ये तो हाँ गुप्ता जी, ये तो वही है, टॉयलेट। गुप्ता जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, टॉयलेट जिंदा हो गया है और इंसानों को मार रहा है। मिश्रा जी, बाबा ने जो मुसीबत के बारे में बताए थे वो यही है, हमें टॉयलेट से ही मुकाबला करना है। पर गुप्ता जी, ये लोग क्या स्किबिडी डिंग डोंग डुम डुम जैसा बोले जा रहा है? पता नहीं मिश्रा जी, पर शायद इन लोगों ने अपना नाम स्किबिडी तो नहीं रख लिया है। हाँ गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, तभी तो वो लोग ऐसा बोले जा रहे हैं, इनका नाम स्किबिडी टॉयलेट है और लगता है ये लोग हमारी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। मिश्रा जी, पर हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा।
वो तो ठीक है गुप्ता जी, पर इसे रोकेंगे कैसे? मिश्रा जी तुम भूल गए, बाबा हमें हथियार दिए थे, हम उसकी मदद से इन सभी टॉयलेट का अंत कर देंगे। हाँ गुप्ता जी मैं तो भूल ही गया था, पर वह हथियार तो घर में है, हमें सबसे पहले हथियार लाना होगा, तब जाकर इन सभी को मार सकते हैं। हाँ मिश्रा जी चलो जल्दी से हथियार लेकर आते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी हथियार लाने के लिए जैसे ही घर की तरफ निकलते हैं, तभी दोनों के सामने स्किबिडी टॉयलेट दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी सामने स्किबिडी टॉयलेट है, अब क्या करें? मिश्रा जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, भागो यहाँ से नहीं तो वो हमें मार देगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी तेजी से वहाँ से भागते हैं, पर स्किबिडी टॉयलेट अपनी पूरी टीम को बुलाता है और सभी गुप्ता जी और मिश्रा जी का पीछा करने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही जंगल वाले रास्ते के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि आगे स्किबिडी टॉयलेट घूम रहा है। गुप्ता जी हम दोनों तो फंस गए हैं, आगे स्किबिडी टॉयलेट है और पीछे भी स्किबिडी टॉयलेट है, अब कैसे बचेंगे? मिश्रा जी अभी हमें सबसे पहले कहीं छिपना होगा, क्योंकि बिना हथियार का इन सब से मुकाबला हम दोनों नहीं कर पाएंगे। गुप्ता जी की बात मानते हुए दोनों फटाफट से वहीं कहीं छिप जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी छिप कर देख रहे होते हैं कि कुछ स्किबिडी टॉयलेट आपस में बात कर रहे हैं और कुछ टॉयलेट उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गुप्ता जी यहाँ तो स्किबिडी टॉयलेट की पूरी फौज है, लगता है हमारा बचना यहाँ से नामुमकिन है। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहीं छिपे रहेंगे जब तक यह सब यहाँ से चला ना जाए। हाँ गुप्ता जी ऐसे भी हम दोनों बिना हथियार का इन सब से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। स्किबिडी टॉयलेट से बचने के लिए दोनों वहीं काफी समय तक छिपे रहते हैं। काफी समय तक छिपे रहने से धीरे धीरे शाम होकर रात हो जाती है। गुप्ता जी मुझे आगे कहीं भी स्किबिडी टॉयलेट दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है सब जंगल के अंदर चले गए हैं। हाँ मिश्रा जी चलो यही अच्छा मौका है, हम दोनों फटाफट हथियार लेकर आते हैं और सभी स्किबिडी टॉयलेट का अंत करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत वहाँ से निकलकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। गुप्ता जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर स्किबिडी टॉयलेट अचानक सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? अरे मिश्रा जी शुभ शुभ बोलो, तुम खुद डर रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। गुप्ता जी और मिश्रा जी शहर में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें चारों तरफ तबाही दिखाई पड़ता है। ओ नो ये क्या हो गया, इतने सारे लोग मारे गए हैं और चारों तरफ आग ही आग है। गुप्ता जी ये जरूर स्किबिडी टॉयलेट का काम है, वो सब कुछ तबाह कर दिया है। स्किबिडी टॉयलेट की वजह से सब तबाह हो गया था, इसलिए दोनों निराश हो गए थे। पर तभी मिश्रा जी को एक इंसान पर नजर जाता है जो घायल पड़ा हुआ था। गुप्ता जी आगे एक इंसान घायल पड़ा हुआ है, चलिए उनकी मदद करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी घायल इंसान की मदद करने के लिए उनके पास जाने वाले होते ही हैं, तभी उधर स्किबिडी टॉयलेट उस इंसान के पास आने लगता है। मिश्रा जी इधर आओ, आगे स्किबिडी टॉयलेट आ गया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास कोई हथियार ना होने की वजह से वह दोनों छिपने पर मजबूर हो जाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी छिप कर देखते हैं कि स्किबिडी टॉयलेट उस इंसान को मार देता है। ओ नो स्किबिडी टॉयलेट के पास तो सच में बहुत ही ताकत है। स्किबिडी टॉयलेट उस व्यक्ति को मार कर वहाँ से चला जाता है। गुप्ता जी आगे रास्ता साफ है, चलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तभी कुछ दूर आगे उन दोनों को फिर से स्किबिडी टॉयलेट दिखाई पड़ता है जो दूसरी तरफ देख रहा था। गुप्ता जी अब क्या करें, आगे हमारा जाना बहुत जरूरी है, पर सामने स्किबिडी टॉयलेट फिर आ गया है। मिश्रा जी अब बहुत हो गया, हम कब तक इनसे छिप छिप कर आगे जाएंगे, हमें कुछ सोचना होगा जिससे बिना हथियार के इन सभी को अंत कर सकें। गुप्ता जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि बिना हथियार के इन टॉयलेट का कैसे सफाया होगा। मिश्रा जी ये तुमने क्या बोला, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, सच में तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। गुप्ता जी का बात मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मिश्रा जी ने कुछ स्पेशल बात बोला ही नहीं था। मिश्रा जी तुम यहीं रुको और देखो मैं बिना हथियार के इन टॉयलेट का कैसे सफाई करता हूँ। गुप्ता जी रुकिए, मिश्रा जी के बोलने पर भी गुप्ता जी नहीं रुकते हैं।
गुप्ता जी स्किबिडी टॉयलेट के पास आ जाते हैं, जो दूसरी तरफ देख रहा था। अबे स्किबिडी टॉयलेट, उधर क्या देख रहा है, इधर घूमो। गुप्ता जी के बोलते ही स्किबिडी टॉयलेट अपने पीछे घूमता है और गुप्ता जी को देखता है, लेकिन तभी गुप्ता जी टॉयलेट का फ्लश को दबा देते हैं। फ्लश के दबते ही स्किबिडी टॉयलेट छटपटाने लगता है और वह तुरंत नॉर्मल टॉयलेट बन जाता है। स्किबिडी टॉयलेट को नॉर्मल टॉयलेट बनता देख मिश्रा जी बहुत खुश होता है और वह दौड़कर गुप्ता जी के पास आ जाता है। गुप्ता जी, ये तो बहुत ही आसानी से मारा गया। हाँ मिश्रा जी, तुम्हारा आइडिया से मुझे ये पता चला था। मैंने आइडिया दिया था, ये कब हुआ? मिश्रा जी तुम ज्यादा सोचो मत और चलो सभी स्किबिडी टॉयलेट को खत्म करते हुए घर चलते हैं, जहाँ बाबा का हथियार है। गुप्ता जी, अब तो बाबा का हथियार की जरूरत नहीं है, बाबा ने बेकार में वो हथियार दिया है, हम लोग तो ऐसे ही इसे खत्म कर देंगे। मिश्रा जी, हमें बाबा का हथियार रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब उसका काम आ जाए। ठीक है गुप्ता जी, चलिए घर की तरफ, पर यदि रास्ते में स्किबिडी टॉयलेट मिला तो मैं उसका फ्लश दबाऊंगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी मजे से घर की तरफ निकल जाते हैं, जहां उन्हें रास्ते में फिर स्किबिडी टॉयलेट दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी, इस बार मैं फ्लश करूंगा। हाँ मिश्रा जी, क्यों नहीं, जाओ तुम भी स्किबिडी टॉयलेट का अंत करो। मिश्रा जी स्किबिडी टॉयलेट के पास जाता है और उसके हमले से बचते हुए टॉयलेट को फ्लश दबा देता है, जिसके बाद एक और टॉयलेट नॉर्मल हो जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी इसी तरह करके रास्ते में मिल रहे स्किबिडी टॉयलेट का फ्लश दबाते हैं और सभी स्किबिडी टॉयलेट का अंत करने लगते हैं। गुप्ता जी, मुझे बहुत मजा आया इन सभी टॉयलेट का अंत करके। गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत खुश थे, क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट आसानी से मारा जा रहा था। पर तभी दोनों देखते हैं कि दो स्किबिडी टॉयलेट, जो काफी बड़ा था, वह उन दोनों की तरफ आ रहा है। गुप्ता जी, इतना बड़ा स्किबिडी टॉयलेट, इसका फ्लश कैसे दबाएंगे? मिश्रा जी, मुझे लगता है फ्लश करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भागने की आवश्यकता है। भागो जल्दी से मिश्रा जी। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे भागने की कोशिश करते हैं, पर उधर से भी दो स्किबिडी टॉयलेट उनकी तरफ आ रहा होता है। ओ नो गुप्ता जी, हम दोनों तो दोनों तरफ से फंस गए हैं। हाँ मिश्रा जी, अब यहाँ से बचना मुश्किल लग रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों तरफ से घिर जाते हैं, जिसके बाद दोनों का डर के मारे बुरा हाल होने लगता है। हे भगवान, हमारी रक्षा करें, हमें किसी तरह बचा दें। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों तरफ से घिर गए थे, इसलिए उन्हें लगा कि अब स्किबिडी टॉयलेट से बचना मुश्किल है। हे भगवान, बाबा यहाँ नहीं है, इसलिए अब आपका ही चमत्कार हमारी जान बचा सकता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, तभी उन्हें जोरदार आवाज सुनाई पड़ता है। आवाज सुनते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी की आंखें खुल जाती है और दोनों सामने स्किबिडी टॉयलेट को मरते हुए देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां अभी भी दो स्किबिडी टॉयलेट होता है, पर फिर कोई उस पर हमला करता है, जिसके बाद दोनों स्किबिडी टॉयलेट मारा जाता है। गुप्ता जी, इन सभी स्किबिडी टॉयलेट पर किसने हमला किया? गुप्ता जी कोई जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं होता है, इसलिए वह दोनों इधर उधर देखते हैं, जहां उन्हें अजीब सा दिखने वाला दो लोग दिखता है। गुप्ता जी, वो दोनों कौन है जिसने हमारी मदद की है? पता नहीं मिश्रा जी, पर वह दोनों दिखने में आधा इंसान और कैमरा जैसा लग रहा है। हाँ गुप्ता जी, मतलब इसका नाम कैमरामैन होगा। कैमरामैन गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आता है और दोनों को वहाँ से उनके घर ले जाने की बात कहता है। कैमरामैन की बात मानते हुए गुप्ता जी और मिश्रा जी उनके साथ अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। गुप्ता जी, ये कैमरामैन अचानक कहाँ से आ गया? कहीं ये काम बाबा का तो नहीं? हो सकता है मिश्रा जी, पर अभी जल्दी से घर चलो, नहीं तो पता नहीं फिर कौन सी नई मुसीबत आ जाए। गुप्ता जी और मिश्रा जी कैमरामैन के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी कोई कैमरामैन पर हमला करता है। ओ नो, ये क्या हुआ? अब इन पे कौन हमला किया? गुप्ता जी और मिश्रा जी सामने देखते हैं तो वहाँ स्किबिडी टॉयलेट दिखाई पड़ता है, जिसका दो मुंह होता है। मिश्रा जी भागो यहाँ से, ये स्किबिडी टॉयलेट पहले वाले से ज्यादा ताकतवर है। हाँ गुप्ता जी, चलिए जल्दी से, नहीं तो हम मारे जाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने वाले होते ही हैं, तभी दूसरी तरफ से कैमरामैन का फौज आने लगता है। गुप्ता जी, यहाँ तो कैमरामैन की फौज आ रही है। मिश्रा जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहीं कहीं छिपना चाहिए।
गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत बिल्डिंग के बगल में छिप जाते हैं और वहीं से सब कुछ देखते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि स्किबिडी टॉयलेट अपने लेजर पावर से कैमरामैन पर वार कर रहा है और कैमरामैन भी अपने लेजर पावर से उस पर हमला कर रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को लगता है कि शायद दोनों आपस में लड़कर मर जाएगा, फिर उसके बाद उनका शहर सुरक्षित बच जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट और कैमरामैन आते जा रहा था। स्किबिडी टॉयलेट और कैमरामैन के बीच जोरदार लड़ाई होती रहती है। गुप्ता जी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस लड़ाई में? पता नहीं मिश्रा जी, पर यदि कैमरामैन जीता तो हम इंसान सुरक्षित रहेंगे, पर यदि स्किबिडी टॉयलेट जीता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि स्किबिडी टॉयलेट भारी पड़ रहा था कैमरामैन पर, क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट के सामने कैमरा की संख्या कम होते जा रही थी और साथ में चारों तरफ तबाही हो रहा था। मिश्रा जी हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये दोनों की लड़ाई में हम दोनों मारे जाएंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते हैं। मिश्रा जी संभल कर चलो। हाँ गुप्ता जी। गुप्ता जी और मिश्रा जी उन दोनों के बीच की लड़ाई से बाहर निकल जाते हैं और फटाफट अपने घर की तरफ भागते हैं। इधर स्किबिडी टॉयलेट सभी कैमरामैन को मार डालता है और फिर मजे से शहर में घूमने लगता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर पहुंच जाते हैं और बाबा का हथियार अपने पास रख लेते हैं। मिश्रा जी चलो अब स्किबिडी टॉयलेट की पुंगी बजाते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी हथियार लेकर घर से बाहर आ जाते हैं। गुप्ता जी हमें कहाँ जाना चाहिए? मिश्रा जी हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ इन सब की शुरुआत हुई है। गुप्ता जी आपका मतलब जंगल में? हाँ मिश्रा जी चलो उन सभी का अंत करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी शहर के रास्ते से चलते हुए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। गुप्ता जी आगे स्किबिडी टॉयलेट है, अब क्या करें? मिश्रा जी अब हमें अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। गुप्ता जी और मिश्रा जी दौड़ते हुए स्किबिडी टॉयलेट के पास जाते हैं और अपने हथियार से वार करते हैं, जिसके एक ही वार से स्किबिडी टॉयलेट मारा जाता है। गुप्ता जी आगे भी कुछ स्किबिडी टॉयलेट है, चलो उसे भी खत्म करते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी स्किबिडी टॉयलेट के वार से बचते हुए उसके नजदीक जाते हैं और उसे भी खत्म कर देते हैं। स्किबिडी टॉयलेट को मारते मारते गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं। गुप्ता जी हम दोनों तो जंगल वाले रास्ते में पहुंच गए हैं। हाँ मिश्रा जी चलो जंगल के अंदर, क्योंकि मुझे पता है सभी स्किबिडी टॉयलेट यहीं पर है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, पर उन्हें क्या पता दो स्किबिडी टॉयलेट छिप कर सब कुछ सुन रहा था। दोनों स्किबिडी टॉयलेट गुप्ता जी और मिश्रा जी का बात सुन लिया था, इसलिए यह बात अपने सभी साथी को बताने के लिए वह भी जंगल के अंदर चला जाता है। मिश्रा जी संभल के आगे बढ़ना, क्योंकि वो सभी की मात्रा बहुत होगी। गुप्ता जी और मिश्रा जी चारों तरफ देखते देखते आगे बढ़ते हैं, पर वहीं झाड़ियों के बीच स्किबिडी टॉयलेट छिपा हुआ था। गुप्ता जी आपने तो कहा था यहाँ स्किबिडी टॉयलेट की शुरुआत हुई है, पर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं मिश्रा जी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सभी स्किबिडी टॉयलेट कहाँ चला गया है। गुप्ता जी मुझे लगता है सभी हम दोनों के डर से यहाँ से भाग गया है। मुझे ऐसा तो नहीं लगता है मिश्रा जी, पर वो सब आखिर कहाँ गए ये भी सोचने वाली बातें हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने आगे किसी भी स्किबिडी टॉयलेट को ना देखकर वापस पीछे घूमते हैं, तो सामने स्किबिडी टॉयलेट की फौज दिखाई पड़ती है। गुप्ता जी अचानक इतने सारे स्किबिडी टॉयलेट कहाँ से आ गया, जबकि पहले यहाँ कोई नहीं था? मिश्रा जी घबरा नहीं, हम दोनों मिलकर इन सभी को मार डालेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी उन सभी स्किबिडी टॉयलेट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर स्किबिडी टॉयलेट धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। गुप्ता जी हम दोनों तो चारों तरफ से घिर गए हैं। मिश्रा जी होशियार रहना, नहीं तो पता नहीं कौन अचानक हम पर हमला कर दे। गुप्ता जी और मिश्रा जी को चारों तरफ से घेरने के बाद सभी स्किबिडी टॉयलेट वहीं पर नाचने लगता है। सभी स्किबिडी टॉयलेट नाच रहा था, तभी उसी में से कोई दो स्किबिडी टॉयलेट गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास जाने लगता है। मिश्रा जी वो इधर ही आ रहा है, उसे छोड़ना नहीं है। गुप्ता जी और मिश्रा जी उन दोनों को मारने वाले होते ही हैं, तभी दो स्किबिडी पीछे से हमला कर देता है, जिससे दोनों के हाथों से हथियार नीचे गिर जाता है।
गुप्ता जी, हम दोनों तो फंस गए हैं, लगता है अब हमारा बचना मुश्किल है। मिश्रा जी घबराओ नहीं, हम दोनों मिलकर इस किबिडी टॉयलेट का फ्लश दबाकर उसे खत्म कर सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी नीचे गिरे हुए होते हैं, पर इधर इस किबिडी टॉयलेट की फौज डांस कर रही होती है। गुप्ता जी, ये लोग तो डांस कर रहे हैं। हाँ मिश्रा जी, ये लोग तो जश्न मना रहा है, शायद इन्हें लगता है कि वह जीत गया है, पर अभी हम दोनों मिलकर इसके जश्न पर पानी फेरते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी तुरंत खड़े होते हैं और तेजी से स्किबिडी टॉयलेट का फ्लश दबाने लगते हैं। फ्लश दबाते ही स्किबिडी टॉयलेट मारा जा रहा था, इसलिए यह देखकर सभी स्किबिडी टॉयलेट घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। स्किबिडी टॉयलेट के चिल्लाने की आवाज से वहां काफी मात्रा में स्किबिडी टॉयलेट आने लगता है, जिसमें कुछ फौजी टॉयलेट भी आ जाता है। फौजी स्किबिडी टॉयलेट बहुत तेज और ताकतवर होता है, इसलिए उसके एक ही वार से गुप्ता जी और मिश्रा जी घायल हो जाते हैं। जंगल में हो हल्ला होने की वजह से कैमरामैन भी वहां जंगल में पहुंच जाता है और साथ में कुछ अपने नए दोस्त को लेकर आता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए फौजी स्किबिडी टॉयलेट जैसे ही उन पर वार करने वाला होता है, तभी उस पर टीवी मैन वार कर देता है। टीवी मैन के वार से फौजी टॉयलेट नीचे गिर जाता है और यह देखकर सभी स्किबी टॉयलेट घबरा जाता है, क्योंकि फौजी टॉयलेट बहुत ही ताकतवर था, फिर भी वह नीचे गिर गया था। फौजी टॉयलेट नीचे गिरने के बाद तुरंत उठ जाता है और टीवी मैन पर हमला करता है, पर टीवी मैन अपने आप को बचा लेता है। इधर कैमरामैन अपनी पावर से स्किबी टॉयलेट को मारने लगता है। गुप्ता जी, हम लोग तो बच गए, ये टीवी जैसा दिखने वाला इंसान हमें बचा लिया। हाँ मिश्रा जी, चलो उठो, हमें भी टीवी मैन की मदद करनी चाहिए। गुप्ता जी और मिश्रा जी उठते हैं और तुरंत बाबा का शस्त्र उठा लेते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ कैमरामैन भी सभी स्किबी टॉयलेट को एक एक करके मारने लगता है। इधर टीवी मैन भी अपनी पावर से फौजी स्किबी टॉयलेट पर वार करता है, पर वह मरता नहीं है। फौजी स्किबी टॉयलेट को मारने के लिए दोनों टीवी मैन एक साथ वार करता है, पर फौजी स्किबी टॉयलेट अपने आप को बचा लेता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और कैमरामैन ने सभी स्किबी टॉयलेट को मार दिया था, पर अभी भी फौजी स्किबी टॉयलेट बचा हुआ था। गुप्ता जी, ये फौजी स्किबी टॉयलेट तो बहुत ही ताकतवर है, यह तो मर ही नहीं रहा है। फौजी स्किबी टॉयलेट को मारने के लिए कैमरामैन और टीवी मैन सभी मिलकर उस पर वार करने लगता है, जिसमें फौजी स्किबी टॉयलेट भी मारा जाता है, पर तभी वहां तीन चार और फौजी स्किबी टॉयलेट आ जाता है। ओ नो, एक फौजी टॉयलेट को हराने में टीवी मैन और कैमरामैन का पसीना छूट गया, तो सोचिए गुप्ता जी, अब इन सबको हराने में उनका क्या हाल होने वाला है। मिश्रा जी, इतने लोगों को हराने के लिए टीवी मैन की संख्या और भी चाहिए। सभी फौजी स्किबी टॉयलेट देखता है कि उसका साथी मारा गया है, इसलिए उसका बदला लेने के लिए वह सभी कैमरामैन और टीवी मैन पर हमला कर देता है। फौजी स्किबी टॉयलेट के वार से कैमरामैन मारा जाता है, पर टीवी मैन अपने आप को बचा लेता है। टीवी मैन के बच जाने पर फौजी स्किबी टॉयलेट और भी तेजी से उस पर हमला कर देता है, जिसमें टीवी मैन कमजोर होने लगता है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी यह सब छिप कर देख रहे होते हैं। टीवी मैन की जैसे ही हालत खराब होने लगती है, तो वह भी अपने दोस्तों को बुलाने लगता है। फौजी स्किबी टॉयलेट रुकता नहीं है और वह दोनों टीवी मैन को मार डालता है। गुगु गुप्ता जी, टीवी मैन तो मारा गया, अब हम दोनों तो फंस गए हैं। टीवी मैन को मारने के बाद फौजी स्किबी टॉयलेट की नजर गुप्ता जी और मिश्रा जी पर पड़ती है। गुप्ता जी, वो हमें देख लिया है, भागिए जल्दी यहाँ से। मिश्रा जी घबरा नहीं, हमारे पास बाबा का शस्त्र है। पर गुप्ता जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फौजी स्किबिडी टॉयलेट गुप्ता जी और मिश्रा जी के पास आने लगता है। गुप्ता जी, वो हमारे पास आ रहा है, जल्दी से कुछ कीजिए। फौजी स्किबिडी टॉयलेट से अपनी जान बचाने के लिए गुप्ता जी अपने हथियार से उस पर हमला करते हैं, पर स्किबिडी टॉयलेट अपने आप को बचा लेता है और गुप्ता जी पर वार कर देता है। गुप्ता जी, फौजी स्किबिडी टॉयलेट के एक ही वार से गुप्ता जी घायल हो जाते हैं। फौजी स्किबिडी टॉयलेट गुप्ता जी को मारने के लिए उस पर हमला करने वाला होता है, तभी कोई उस फौजी टॉयलेट पर वार कर देता है। मिश्रा जी को लगता है कि बाबा आ गए हैं, पर वह टीवी मैन था। गुप्ता जी उठिए, अब हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि फौजी स्किबिडी टॉयलेट को मारने के लिए टीवी मैन की फौज आ गई है।
गुप्ता जी वापस से खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि टीवी मैन और फौजी स्किबिडी टॉयलेट के बीच में लड़ाई हो रही है। फौजी स्किबिडी टॉयलेट और टीवी मैन दोनों बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी जिसमें टीवी मैन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा होता है। टीवी मैन के काफी कमजोर होते ही सभी टीवी मैन एक एक करके मरने लगता है। गुप्ता जी, टीवी मैन तो मारा जा रहा है, लगता है फौजी स्किबिडी टॉयलेट जीत जाएगा। मिश्रा जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, और यदि ऐसा हो गया तो हम सब बचेंगे नहीं। इधर फौजी स्किबिडी टॉयलेट अपने पावर से सभी टीवी मैन को मार डालता है। सभी टीवी मैन के मरते ही फौजी स्किबिडी टॉयलेट नाचने लगता है। गुप्ता जी, ये सभी तो एंजॉय कर रहे हैं, लगता है इसका अंत अब बाबा ही कर सकते हैं, पर बाबा यहाँ नहीं है। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, पर जब तक बाबा यहाँ आएंगे तब तक मैं ये सभी इसकी भी टॉयलेट सब तबाह कर देगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी इधर बात कर रहे होते हैं और उधर सभी फौजी इसकी भी टॉयलेट डांस कर रहा होता है, तभी वहाँ किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। भारी भरकम आने की आवाज से सभी लोग चकन्ना हो जाता है। इतनी जोरदार आवाज, मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी चीज इधर आ रही है। सभी अपने बाएं दाएं देखने लगता है, पर तभी सभी की नजर एक जगह रुक जाती है। गुप्ता जी, ये तो बहुत बड़ा है, पर अब ये कौन है? गुप्ता जी और मिश्रा जी उसे पूरी ध्यान से देखते हैं, तो उन्हें वह स्पीकर जैसा दिखाई पड़ता है। मिश्रा जी, ये तो स्पीकर जैसा दिख रहा है, मतलब ये तो स्पीकर मैन है। स्पीकर मैन को देखकर सभी फौजी टॉयलेट की हालत खराब होने लगती है। फौजी स्किबिडी टॉयलेट स्पीकर मैन पर कई बार वार करता है, पर स्पीकर मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पीकर मैन को कोई फर्क ना पड़ने पर सभी स्किबिडी टॉयलेट पीछे की तरफ भागता है। गुप्ता जी, इन सभी फौजी स्किबिडी टॉयलेट को क्या हुआ? वो सभी पीछे क्यों भाग रहे हैं? मिश्रा जी, इन सभी फौजी को समझ आ गया है कि वह स्पीकर मैन से जीत नहीं सकता, इसलिए वह सभी पीछे भाग रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी सब देख रहे होते हैं, तभी स्पीकर मैन अपने तेज साउंड पावर से स्किबिडी टॉयलेट पर वार करता है। स्पीकर मैन के एक ही वार से सभी फौजी स्किबिडी टॉयलेट मारा जाता है। अरे वाह स्पीकर मैन, तुम तो एक ही वार में सभी स्किबिडी टॉयलेट का अंत कर दिए। गुप्ता जी, लगता है अब हम सब बच गए हैं, अब कोई भी स्किबिडी टॉयलेट नहीं बचा है। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत खुश थे और वहाँ से जाने का विचार करते हैं, क्योंकि स्पीकर मैन भी वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी आसमान से कोई हमला करता है। गुप्ता जी, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ रही है? गुप्ता जी, मिश्रा जी और स्पीकर मैन तीनों देखता है कि कोई स्पेस शिप उनकी तरफ ही आ रही है। स्पेस शिप धीरे धीरे उन लोगों से थोड़ा दूर आकर रुकती है और उससे धुआं निकलता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और स्पीकर मैन देखता है कि धुआं के बीच से कोई उससे बाहर निकला है। ओ शिट, ये तो, हाँ गुप्ता जी, ये तो वही है। गुप्ता जी मिश्रा जी चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्किबिडी टॉयलेट का राजा आ जाता है जो गोल्डन रंग का दिखता है। गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट को देखकर स्पीकर मैन उस पर वार कर देता है, पर गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट अपने आप को बचा लेता है। गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट स्पीकर मैन के वार से बचते हुए उसके सामने आ जाता है और अपने जोरदार वार से स्पीकर मैन को नीचे गिरा देता है। गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट बहुत ही ताकतवर होता है, इसलिए स्पीकर मैन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। स्पीकर मैन के कई बार प्रयास करने पर भी गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट अपने आप को बचाते हुए उस पर हमला करता है। गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट के सुपर पावर के वार से स्पीकर मैन घायल हो जाता है। गुप्ता जी, अब लगता है स्पीकर मैन भी मारा जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है मिश्रा जी। गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट अपने सुपर पावर से स्पीकर मैन को खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ तेज तूफान आ जाता है। गुप्ता जी, अचानक तेज तूफान आ गया, इसका मतलब अब समझे कि नहीं? हाँ मिश्रा जी, मुझे पता है, ये बाबा के आने का संकेत है। रुकजा स्किबिडी टॉयलेट, तुमने यहाँ बहुत नुकसान कर दिया है, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं आ गया हूँ।
बाबा के बोलने पर भी स्किबिडी टॉयलेट नहीं मानता है और वह स्पीकर मैन पर वार कर देता है, जिसके बाद स्पीकर मैन वही मारा जाता है। तुम मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी स्किबिडी टॉयलेट। बाबा अब स्किबिडी टॉयलेट को सबक सिखाने के लिए इस पर अपनी पावर से हमला कर देते हैं। बाबा के वार से स्किबिडी टॉयलेट समझ जाता है कि बाबा बहुत ताकतवर हैं, इसलिए वह भी अपने पावर से हमला करता है, पर बाबा अपने आप को बचा लेते हैं। तुम तो गए गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट। बाबा अपने पावर से स्किबिडी टॉयलेट को हवा में उड़ा उड़ा के पटकने लगते हैं। बार बार पटकने से गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट डर जाता है और वह वहाँ से भागने लगता है। गोल्डन स्किबिडी टॉयलेट अपने स्पेसशिप में बैठ कर निकलने लगता है, लेकिन तभी बाबा उसे हवा में ही ब्लास्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, स्किबिडी टॉयलेट का कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट स्टोरी किसकी देखनी है वो भी हमें बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।